गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा कल हमारा एक्सरसाइज 7.1 चल रहा है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। और हम क्वेश्चन कर चुके हैं भाई, आपके प्रश्न हो चुके हैं नो। अब देखिए, दसवां क्वेश्चन करवाने से पहले मैं एक बार फार्मूले फिर से रिपीट करवा देता हूं। आपकी जो सर्व समीकाएं हैं, आपकी पहली सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है एक। और दूसरी आपकी है सेक स्क्वायर थीटा बराबर है आपका एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरी आपकी सर्व समीका है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका है एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आपकी ये तीन सर्व समीका है, पहली आपकी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है एक होता है। दूसरी आपकी है सेक स्क्वायर थीटा बराबर है एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरी आपकी है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसके अलावा कोसेक थीटा बराबर होता है एक बटे साइन थीटा के, और सेक थीटा बराबर होता है एक बटे कोस थीटा के। तीसरा आपका टेन थीटा एक तो होता है वन बटे कोट थीटा के बराबर, दूसरा होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। इसके अलावा कोट थीटा आपका होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा। सबसे पहले आप ये अच्छे से याद करना भाई। इसके अलावा अपने 9 प्रश्न हो चुके हैं, दसवां प्रश्न देखिएगा। आपका दसवां प्रश्न है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है एक। मतलब कि बेटा आपको ये लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, इस लेफ्ट हैंड साइड को किसके बराबर रखना है, आपको सिद्ध करना है किसके बराबर सिद्ध करना है, एक के बराबर। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर आने चाहिए। मतलब कि आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बटे में आपका है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड आपकी एक है। आपको इस लेफ्ट हैंड साइड को इसके बराबर प्रूव करना है। मैंने सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा साइन की पावर कितनी है 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा की पावर कितनी भाई 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की भी पावर कितनी 2 बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखिएगा यहां फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और चेंज क्या किया है मैंने, यहां पावर 4 है तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, और यहां मैंने सेम लिखा। अब यहां फॉर्मूला लग गया ऊपर ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, और ए आपका कितना है साइन स्क्वायर थीटा, और बी कितना है कोस स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बताइएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां बेटा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, एक बार तो प्लस में आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक बार माइनस का आ गया, और बटे में आपका है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक होता है। तो यहां मैंने रख लिया एक,
इनटू में आप मुझे बताएं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको इससे भाग दिया कितना आया आपका एक, तो एक गुना एक बटे में तो आई कट गया ही, तो एक एकम कितना होता है एक, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इस राइट हैंड साइड के बराबर है आ गई। देखिएगा बेटा जैसे कि आपको ये दिया गया है और बराबर क्या प्रूव करना है, एक प्रूव करना है। सबसे पहले मैंने राइट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड आपका क्या है साइन की पावर चार थीटा माइनस कोस की पावर चार थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर मैंने पावर चार को क्या लिखा, इसकी पावर दो टोटल की पावर दो, इसकी पावर दो टोटल की पावर दो, क्योंकि दो दुनी चार दो दुनी चार। उसके बाद आपका यहाँ फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ एक बार मैंने प्लस कर दिया और एक बार क्या कर दिया माइनस, और बटे में आपका सेम चल रहा है। अब बेटा देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, इंटू में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है भाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपस में क्या हो गया कैंसल, यहाँ क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है एक। तो आपका एक को एक से मल्टीप्लाई किया तो उत्तर कितना आ गया भाई एक, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। शायद तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं दोबारा से करवा दूंगा। अगला प्रश्न देखिए बेटा, अगला प्रश्न आपका है कोट थीटा माइनस टेन थीटा, कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर प्रूव करना है आपको एक माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, बुक में मिस प्रिंट है, यहाँ सीधा साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, इससे पहले आप थोड़ा दो लगा दीजिएगा, यहाँ मिस प्रिंट है थोड़ा बुक में। अब देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड है कोट थीटा माइनस टेन थीटा, और आपका राइट हैंड साइड है एक माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब ये आपको इस लेफ्ट हैंड साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और आपका लेफ्ट हैंड साइड है कोट थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिएगा कोट थीटा, अब बेटा कोट थीटा किसके बराबर होता है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, आपका कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। यहां तक कोई डाउट है क्या, मैंने कोट को तो कोस बटा साइन में चेंज किया और टेन को किस में चेंज किया साइन बटे कोस में। अब बेटा देखिएगा अब इनका एलसीएम आ गया आपका साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, इसको मैंने इससे भाग दिया तो क्या बच गया कोस, कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया कोस स्क्वायर, और आगे आपका क्या है भाई थीटा, साइन बीच में क्या है माइनस, इसको मैंने इससे भाग दिया क्या बच गया साइन, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपका आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बेटा अपने को तो साइन स्क्वायर चाहिए कोस चाहिए ही नहीं, तो आप सरल समीकरण फर्स्ट देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक। अब देखिए इसको मैं इधर ले जाऊं तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा एक माइनस है साइन स्क्वायर थीटा। हमने पहली सरल समीकरण का प्रयोग किया तो कोस स्क्वायर की जगह रखा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बेटा देखिएगा साइन स्क्वायर कितना हो गया माइनस के हैं दोनों,
तो कितना हो गया, दो साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और यही आपकी क्या है भाई, राइट हैंड साइड, मींस आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। देखिएगा बेटा एक बार मैं फिर से थोड़ा रिपीट करता हूं, आपको दिया गया है कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और आपका लेफ्ट हैंड साइड है कोट थीटा माइनस टेन थीटा, जहां कोट बराबर तो है कोस बटे साइन और टेन बराबर है साइन बटे कोस, आगे आपका थीटा है। अब यहां मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया साइन थीटा और कोस थीटा, इसको इससे डिवाइड किया कोस बच गया, कोस को कोस से गुणा किया क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, साइन है माइनस का, इसको इससे डिवाइड किया साइन बच गया, साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने को यहां साइन ही चाहिए तो पहली सरल समीकरण का प्रयोग किया और कोस स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो कितना हो गया भाई, एक माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही अपने को क्या करना था प्रूव। अब देखिएगा इससे अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कोस की पावर चार थीटा प्लस साइन की पावर चार थीटा बराबर आपको प्रूव करना है एक माइनस दो कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस दो कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। आपको क्वेश्चन दिया गया है कोस की पावर चार थीटा प्लस साइन की पावर चार थीटा और बराबर आपको प्रूव करना है एक माइनस दो कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखिएगा ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है राइट हैंड साइड, इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैंने बेटा लिया यहां लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है कोस की पावर चार थीटा प्लस साइन की पावर चार थीटा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। आगे आप देखिएगा कोस की पावर चार थीटा है, यहां देखिए बेटा कोस की पावर चार है, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, कोस स्क्वायर थीटा और टोटल की स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और टोटल की स्क्वायर, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब उसके बाद आप देखिएगा यहां कोई फार्मूला बन ही नहीं रहा तो अपने को कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब बेटा देखिए कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, अगर माइनस होता तब तो फार्मूला आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला होता, बट यहां कोई फार्मूला नहीं बन रहा है इसलिए कुछ जोड़ना पड़ेगा कुछ घटाना पड़ेगा। तो बेटा देखिएगा कोस स्क्वायर थीटा इसकी टोटल की स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस टोटल की स्क्वायर, यहां मैंने दो साइन साइन लिखो से पहले कोस लिखो एक ही बात है, दो कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मैंने क्या जोड़ दिया दो कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इतना ही मैंने जोड़ दिया और इतना ही मैंने क्या कर दिया भाई घटा दिया, दो कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने दो कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इतना ही मैंने जोड़ दिया और इतना ही मैंने क्या कर दिया घटा दिया, कोई फर्क नहीं अभी सेम ही है ना, ये इतना मैंने जोड़ दिया और इतना ही क्या कर दिया घटा दिया,
अब यहां अपने को सरल समीका प्राप्त हुई। आप बेटा बताइएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब यहां आप देखिएगा a, a आपका है कि नहीं, a की स्क्वायर, b की स्क्वायर, 2ab और किसके बराबर होता है? a प्लस बी की होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिएगा a यहां कितना है? cos स्क्वायर थीटा, और b कितना है? sin स्क्वायर थीटा, और टोटल की क्या है? स्क्वायर। यहां तक कंप्लीट है भाई। यहां कौन सी सरल समीका लग गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अर्थात आपका आ गया a प्लस बी की होल स्क्वायर, और माइनस का आपका आ गया 2 कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर इनटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? पहली सरल समीका देखिएगा एक, तो यहां आ गया आपका एक, एक की स्क्वायर माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखिएगा एक की स्क्वायर होती है एक, एक माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, और यही आपकी क्या है? राइट हैंड साइड। तो एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो गया? आर एच एस। अब देखिए एक बार फिर से रिपीट करवाता हूं मैं, आपका कोस की पावर चार थीटा प्लस साइन की पावर चार थीटा बराबर प्रूव करना है एक माइनस दो कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और पावर चार है, पावर चार है तो इसको लिखा मैंने कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर। अब देखिए यहां कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो हमने इसमें दो कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इतना ही एड कर दिया और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना ही जोड़ दिया और इतना ही क्या कर दिया? घटा दिया। अब बेटा यहां देखिए यहां सरल समीका लगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, जहां ए आपका क्या है? कोस स्क्वायर थीटा, और बी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी की होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां आ गया आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर माइनस, ये आपका सेम यहां लिख दिया मैंने। अब पहली सरल समीका का प्रयोग किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक, इसकी जगह मैंने एक रखा माइनस, ये सेम है, और यही अपने को क्या करना था? प्रूव करना था। मींस आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है? राइट हैंड साइड। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इससे अगला क्वेश्चन देखिए, इजी से प्रश्न है भाई, आप रूटीन से निकालना, रेगुलर क्लास लगाना, और कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, कल आते ही दूसरे दिन आते ही मैं वही क्वेश्चन पहले करवाऊंगा, अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो। बाकी आएगी नहीं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, फॉर्मूले अच्छे से तैयार करना आप। अब देखिएगा बेटा आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, sec थीटा माइनस कोस थीटा, sec थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा आपका है sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर आपको प्रूव करना है tan थीटा, tan थीटा इंटू में sec थीटा, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले बेटा मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड, आपका लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। तो बेटा मैंने सबसे पहले लिया आपका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिया तो लेफ्ट हैंड साइड आपका है sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू में cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा। अब बेटा आप देखिएगा sec थीटा बराबर किसके है? एक बटे cos थीटा के,
माइनस का क्या आ गया कोस थीटा। यहां तक कोई डाउट है क्या? क्योंकि सेक थीटा किसके बराबर होता है? एक माइनस कोस थीटा के। कोट थीटा किसके इक्वल होता है? देखिएगा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब देखिएगा बेटा, यहां मैंने सेक को एक बटा कोस में चेंज किया, कोट को कोस बटा साइन में किया, और टेन को साइन बटा कोस में किया। कोस बटे कोस थीटा बटे में एक मान लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो इसका एलसीएम आ गया आपका कोस थीटा। इसको इससे भाग दिया एक, एक को एक से गुणा किया एक, माइनस इसको इससे भाग दिया कोस, कोस को कोस से गुणा किया, क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहां देखिएगा बेटा, आपका एलसीएम कितना आ गया? साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। आपका एलसीएम आ गया साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब देखिए, इसको इससे भाग दिया, क्या बच गया कोस, और कोस को कोस से गुणा किया, क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा। साइन बीच में किसका है भाई? प्लस का। इसको इससे भाग दिया, क्या बच गया साइन। साइन को साइन से गुणा किया, क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। एक माइनस कोस स्क्वायर, सरल समीका पहले देखिएगा, इस कोस स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा मैं, तो एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा इंटू में। अब पहली सरल समीका के आधार पे बताइएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक। बटे में क्या आ गया भाई आपका? साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब बेटा आप देखिएगा, साइन स्क्वायर दिया गया है, मतलब साइन कितनी बार है? दो बार। तो स्क्वायर से ये एक बार कट गया, यहां क्या बच गया आपका साइन। साइन बटे कोस क्या होता है? साइन बटे में कोस क्या होता है? टेन थीटा इंटू में एक बटे कोस बच गया। एक बटे कोस देखिएगा इधर किसके बराबर होता है? सेक थीटा। और यही आपकी क्या है बेटा? राइट हैंड साइड। यही आपकी क्या है? राइट हैंड साइड। देखिएगा, आपका इस क्वेश्चन दिया गया है सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में कोट थीटा प्लस टेन थीटा, बराबर प्रूव करना है टेन थीटा इंटू सेक थीटा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, सेक को एक बटा कोस में चेंज किया, कोट को कोस बटा साइन में किया, टेन को साइन बटा कोस में चेंज किया, इनका एलसीएम लिया, और यहां एक माइनस कोस स्क्वायर को किसके इक्वल रखा भाई? साइन स्क्वायर थीटा के। और यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक। यहां रखा, फिर आपका आ गया साइन स्क्वायर, जो कि साइन से साइन कट गया, यहां बच गया साइन बटे कोस, जो कि आपका होता है टेन, और एक बटे कोस होता है सेक। और यही आपकी क्या है? राइट हैंड साइड। थैंक यू, और कल करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।